ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स क्रोमोजोम अंडरगोज ग्लोबल चेंजेस एज इन साइलेंसिंग, ठीक है, हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन. तो इधर हम लोग डोजेज कंपोजिशन हम लोगों ने देखा अभी कि 1x क्रोमोसोम इज साइलेंस ऑफ टू, एक जिससे क्या होता है सेम लेवल पे आ जाता है मेल एंड फीमेल. तो मेल में भी एक ही एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा, फीमेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा. फीमेल में दूसरा एक्स क्रोमोसोम को हेटरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट किया जाएगा. ओके, नाउ इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना. एक्स क्रोमोसोम फीमेल में ही रहता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल में रहता है, ये कॉमन नहीं है. ठीक है, देर आर चेंजेस. ठीक है, अभी वी विल ऑल्सो सी वट ड्रोसोफिला में कैसा होता है एंड सी एलिगेंस में कैसा होता है. सी एलिगेंस इज बेसिकली निमेटोड वर्म है. ठीक है, ओके. तो इसमें देख लेते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है एंड इससे पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाता है. ठीक है, तो मैमल्स का हम लोगों ने देखा कि मैमल्स में अगर देखो फीमेल्स में 2X क्रोमोसोम है और मेल्स में 1X क्रोमोसोम, राइट. तो ये परफेक्टली फंक्शनल है, ये भी परफेक्टली फंक्शनल है. ठीक है, ये 1X क्रोमोसोम फंक्शनल है. ठीक है, और ये ठीक है, ये देखो कलर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इधर. हाँ, तो ये भी लाइट पिंक है, ये भी लाइट पिंक है, मतलब इक्वल इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है. ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये पूरा डार्क हो गया, डार्क ब्लैक या ब्लैक हो गया. तो मतलब दिस हैज बीन साइलेंस्ड ऑफ. ठीक है, इसको बंद कर दिया गया. यस, गेटिंग मी, ऊपर से जा रहा है, समझ रहे. हम लोगों ने यही चीज देखी. यस यस यस, मयूरी, अर्पना, सर, संध्या, यस, यस सर, प्रतीक्षा, यस सर, यस यस, ओके. तो अभी फ्लाइज में देखते हैं, फ्लाइज में हम लोगों ने कौन सा देख लेते हैं, ये ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर देख रहे हैं. इनमें क्या होता है, इनमें अलग चीज होती है. क्या होती है, अगर आप देखोगे दोनों भी एक्स एक्टिव है, दोनों भी एक्स एक्टिव है. जैसे मेल्स में था, एक एक्स को बंद ही कर दिया, डायरेक्ट एक एक्स मतलब साइलेंस ऑफ कर दिया, हेटरोक्रोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया. टेक्निकल वर्ड हेटरोक्रोमेटिक है ये, साइलेंस. ठीक है, बट इन फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में फीमेल्स को दोनों एक्स फंक्शनल है. तो आप बोलोगे कि डोजेज कैसे कंपनसेट हो रहा है, ये कैसे कंपनसेट हो रहा है. इसमें जो एक्स बंदा है ना, मतलब मेल में जो एक्स है उसको ट्वाइस से एक्सप्रेशन करता है ताकि वो फीमेल्स के साथ मैच कर सके. देखो कंपनसेशन हो रहा है. देखो इसमें एक एक मेल्स के पास एक एक्स है तो फीमेल्स के पास भी एक एक्स क्रोमोसोम चल रहा है, फंक्शनल है. दूसरा बंद कर दिया. मेल्स में क्या है कि ये दोनों भी एक्स फंक्शनल है. ठीक है, दोनों से भी बन रहा है. तो मेल्स में भी एक एक्स है. ठीक है, इसको क्या किया है, इसको ओवर एक्सप्रेशन किया है. क्या बोल रहे हैं, ओवर एक्सप्रेशन. ठीक है, ओवर एक्सप्रेशन. ओवर एक्सप्रेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा mRNA जनरेट हो. ठीक है, तो उसका प्रमोटर स्ट्रांग रहेंगे. तो इधर कितना हो गया, ट्वाइस, 1x+1x. ठीक है, 2x प्रोडक्ट बन रहे. तो ये भी 2 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में mRNA जनरेट कर रहे हैं. मतलब इसके जो क्या हो गया, इसके भी 2x एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब डबल एक्सप्रेशन हो रहा है. ठीक है, डबल एक्सप्रेशन हो रहा है, ज़्यादा स्पीड में हो रहा है ताकि फीमेल्स के साथ वो मैच कर सके, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ सके. समझाइए ड्रोसोफिला का, यस नो बता दो मुझे जल्दी जल्दी. यस सर, यस सर, यस सर, यस यस, सर, रितिका, यस सर, अनुष्का, समझ आओ. यस सर, ओके, अभी वर्म्स में देखते हैं. तो ये सब सबके सब यूकेरियोट्स हैं. यूकेरियोट्स है ऑब्वियसली, यूकेरियोट्स है, एक्स क्रोमोसोम यूकेरियोट्स में. ओके, मैक्रो यूकेरियोट्स. अच्छा, अभी वर्म्स का देखते हैं. वर्म्स में क्या होता है, ठीक है. अब इधर इधर ये डायग्राम से आपको समझ रहा है कि ये ज़्यादा डार्क पिंक है, मतलब ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन. ठीक है, अब ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है. ठीक
ठीक है, अभी अगर वर्म्स के मेल में देखेंगे तो वर्म्स में एक्स ही है, वाई नहीं है, ठीक है, तो इसको एक्स ओ भी बोला जाता है, ठीक है, एक्स ओ भी बोला जाता है, जिसमें इट मीन्स दैट मेल डजेंट हैव वाई, ठीक है, वाई, ठीक है, नाउ इसमें देखो कंपैरिजन देखो, ये एक्स एक्स एक्सप्रेशन देखो और ये वाला एक्सप्रेशन, बेसिकली कलर इज दिस, कलर ऐसा डाला गया है कि वो एक्सप्रेशन बता सके, मतलब अगर डार्क रहेगा तो ज़्यादा एक्सप्रेशन, लाइट है ऐसा वाला लाइट है तो नॉर्मल एक्सप्रेशन, और ये एकदम लाइट है, एकदम लाइट है तो मतलब क्या अंडर एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, अंडर एक्सप्रेशन हो रहा है, इसमें जितना भी एक्सप्रेशन हो रहा है वो हाफ हो रहा है, मतलब जैसे ये हाफ एक्सप्रेशन हो रहा है, ये भी हाफ एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, वन, ठीक है, और मेल में नॉर्मल एक्सप्रेशन हो रहा है एक्स वाई, ठीक है, मेल में नॉर्मल एक्सप्रेशन हो रहा है वन एक्स, ये क्या हो रहा है, इक्वल हो गया, इक्वलेंट हो गया, तो क्या हो रहा है, डोजेज कंपनसेशन हो रहा है, मतलब दोनों भी इक्वल आना चाहिए, दोनों का एक्सप्रेशन मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी ऑफ एक्स इक्वल रहेगा, यस समझा, ऊपर से गए पक्का समझा सर, सबको, समझा सर, यस सर, समझा सर। ये देखो एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल मेल एक्स इज डबल ड्रोसोफिला में रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ ईच फीमेल इन एक्स, ठीक है, तो इसमें डबल बन रहा है, फ्लाइज में उल्टा हो रहा है, जो फीमेल है वो हर्मोफ्रोडाइट है, हर्मोफ्रोडाइट मतलब क्या होता है कोई बता सकता है, यस अस्मिता अर्पना कोई बता सकते व्हाट इज हर्मोफ्रोडाइट, नहीं व्हाट सर, हार्मोफ्रोडाइट, इधर देखो इधर लिखा हुआ है सर ये बोथ मेल एंड फीमेल जेनिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम। यस करेक्ट, सो फीमेल में दोनों भी रहेगा, दोनों भी जेनिटल्स रहेंगे, सो अर्थ वर्म इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल, ठीक है, ओके, तो डोजेज कंपनसेशन में होपफुली इट इज विजिबल, यस विजिबल है, यस सर, यस ओके, यस तो डोजेज कंपनसेशन में एंटायर क्रोमोसोम, एंटायर अभी हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन नॉट इन वर्म्स एंड अदर थिंग्स, एंटायर क्रोमोसोम इज टारगेट फॉर रेगुलेशन, मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम बंद सीधा, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल अगर क्योंकि और ऑब्वियसली हम लोग को ह्यूमंस पे ज़्यादा फोकस करना है, रिसर्च ह्यूमन से, ठीक है, इसमें भी है बट ये क्या है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्लाइज में कॉम्प्लिकेटेड है, वर्म्स में भी कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे अंडर एक्सप्रेशन हो रहा है या ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, बट ह्यूमन्स में पूरा का पूरा एक क्रोमोजोम ही बंद हो रहा है, ठीक है, एंड उसमें हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि पूरा क्रोमोजोम कैसे बंद हो सकता है, ठीक है, इस टारगेट फॉर रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब बंद होना, ठीक है, पूरा का पूरा इट इज साइलेंस्ड ऑफ, कैसे साइलेंस ऑफ किया जाता है, और ये ऐसे नहीं है लोकल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए में हो रहा है या एक जीन या दो जीन बंद हो रहा है, ये पूरा है, ग्लोबल मतलब पूरा एंटायर एक्स क्रोमोसोम इज बीइंग साइलेंस्ड ऑफ, ए टू जेड पूरा का पूरा क्रोमोसोम में जितने भी जीन है सबके सब बंद हो रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये एक मैं बता देता हूँ, अगर फीमेल्स फीमेल्स को रिकग्नाइज कर किए जाते तो ये क्या बोलते हैं, जिनमें जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल मेल है तो उसमें इफ यू हैव हर्ड अबाउट बार बॉडीज, सुना है
हेलो, इस एम आई ऑडिबल? यस सर, लेकिन नहीं हाँ, सुन सो रहा। हैव यू हर्ड अबाउट बार बॉडीज? ये बार इज बेसिकली सरनेम है, ठीक है? बार मतलब वो वाला बार नहीं, बार इज सरनेम, ठीक है? तो उसने डिस्कवर किया कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज बार बॉडी. तो मेल में उसको तो बार बॉडीज नहीं दिखे, फीमेल्स में उसको दिखा, क्योंकि इधर दो एक्स क्रोमोसोम था, तो दो एक्स क्रोमोसोम था, वन बार बॉडी दिखा. एंड उसने ये भी देखा, उसने देखा या दूसरे लोगों ने देखा, अगर टू थ्री एक्स क्रोमोसोम से तो टू बार बॉडीज, एंड अगर फोर एक्स क्रोमोसोम है जो कि रेयर केसेस है, ये बात ठीक है. ओके, सो अगर इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज इफ अ पर्सन इज मेल और फीमेल, डीएनए निकाल के चेक करो बार बॉडीज के, सिंपल है ना. बार बॉडी इज नथिंग बट कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम, ठीक है? हाईली कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम, एक 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 एक्स क्रोमोसोम जो बंद हो जाता है ना, वो इतना ज्यादा, जैसे आप देखते हो ना एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल माइटोसिस में, वो वैसा ही रहता है, ठीक है? हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है? इट इज नथिंग बट कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम. तो इसमें से डोजेज कंपनसेशन के लिए एक एक्स को एक्टिव रखते हैं, बाकी दो को बंद किया जाता है. तो आपको ऑब्वियसली दो बार बॉडीज में, इधर तीन को बंद कर दिया जाता है ना, तीन बार बॉडीज में, समझाइए पंडा, समझा? ठीक है, ये फीमेल्स रिकग्निशन में काम आता है, ठीक है? बार बॉडीज, ठीक है, टू रिकग्नाइज जो बेबी है वो मेल है फीमेल है, कंफर्म करने के लिए तो बार बॉडीज को चेक किया जाता है, ठीक है, समझा? नाउ इनएक्टिवेशन कैसे होता है, ये तो मैंने बता दिया, एंटायर क्रोमोसोम बीइंग हेटरोक्रोमैटिक. तो जो हेटरोक्रोमैटिक में दो चीज़ें होती है, एक तो एक्स क्रोमोसोम पूरा कंडेंस हो जाता है, और दूसरा ऑब्वियसली कंडेंस हो गया तो देर इज नो एक्टिविटी, एक्टिविटी इनएक्टिविटी, नो एक्टिविटी, या ऑब्वियसली इनएक्टिविटी या नो एक्टिविटी जब मैं बोल रहा हूँ तो बेसिकली उसमें से जीन एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? होपफुली समझा आप लोगों को, कंडेंस स्टेट हो गया. हेटरोक्रोमैटिन मतलब आपका जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, ऑब्वियसली उसके फिर उसके उसमें से कोई भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इवेंट नहीं होने वाला, ठीक है? समझ रहे हैं? ऊपर से जा रहा है, बता दो फटाफट, यस नो? यस सर ठीक है, तो ऑब्वियसली हेटरोक्रोमैटिन के बारे में बात कर लेते पहले. टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमैटिन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन देखोगे तो हेटरोक्रोमैटिन फॉर्मेशन उधर वो स्टेज में दिख जाएगा, बट इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर एक्स क्रोमोसोम. क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो एक्स क्रोमोसोम क्या होता है कि आप जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये सेल से फिर दो सेल्स बनते हैं, राइट, डॉटर सेल्स बनते हैं, ओके? सो इधर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक, ये मैं इसको लेबल कर देता हूँ, एक्स वन हो गया और ये एक्स टू हो गया, समझो इसमें एक्स टू इज क्लोज, ठीक है, एक्स टू इज क्लोज, ठीक है? तो इसमें हो सकता है ये एक्स वन इज फंक्शन, इसमें एक्स टू बंद हो गया आपका, एक्स टू बंद हो गया, तो इधर इधर एक्स वन इज फंक्शन, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक्स वन है, और इधर बोल सकता हूँ, इधर क्या हो सकता है, जब डिवाइड होता है ना, सेल हैज चॉइस कि कौन से एक्स क्रोमोसोम बंद करे, तो इधर हो सकता है कि एक्स वन को बंद करते हैं, तो इधर एक्स टू इज फंक्शनल, एक्स एक्स वन बंद हो गया, ठीक है? ठीक है, इधर हो सकता है एक्स एक्स वन ही फंक्शनल हो, एक्स वन ही फंक्शनल, तो इट हैज चॉइस कि वो चॉइस के ऊपर है, सेल के चॉइस के ऊपर है. तो ईच एंड एवरी जनरेशन जब सेल डिवाइड होता है तो एक्स क्रोमोसोम वापस एक्टिवेट होता है एंड वापस बंद हो जाता है, ठीक है? तो इट इज
कॉल्ड एज फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमैटिन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमैटिन? खाली एक लीनिएज, सॉरी एक इनएक्टिव खाली एक ही जनरेशन के लिए रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में शायद दूसरा एक्स क्रोमोसोम बंद हो जाए. समझ रहे हो? ऊपर से जरा बता दो मुझे फटाफट, कॉन्सेप्ट यस सर, समझो. तो यस ये सर, रितिका, यस सर, यस अर्पणा, सर, ओके, या सो फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमैटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमैटिन में एग्जांपल्स देख लेते. जैसे इसमें नॉन कोडिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे सैटेलाइट डीएनए, उसमें से कोई भी जीन एक्सप्रेशन नहीं होने वाला, या सेंट्रोमियर्स हम लोगों ने देखा था, राइट, है ना? सेंट्रोमियर्स क्या होता है, इधर ऐसा जो, ठीक है, ये ओके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते. तो इधर के जो जीन्स है वो बंद रहते हैं, हमेशा के बंद रहते हैं, ठीक है, ओके. तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया. फैकल्टेटिव में क्या हो गया, एक जब एक लीनियज से दूसरा लीनियज बनता है या प्रोजेनी सेल्स रहते हैं, उसमें चॉइस रहता है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम बंद रहेगा, कौन सा चालू रहेगा. और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमैटिन में मैमेलियन एक्स क्रोमोसोम आता है, ठीक है. ठीक है, तो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इज परपेचुएटेड हेटरोक्रोमैटिक स्टेट. एक सेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम बंद हो गया तो बंद हो गया, ठीक है. नेक्स्ट जनरेशन में सेल कैन डिसाइड कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम बंद होगा, ठीक है. देखो, एक बार एक्स क्रोमोसोम बंद हो गया एक पर्टिकुलर सेल के लिए, तो जब तक सेल का लाइफ है, पूरा लाइफ स्पैन में वही एक्स क्रोमोसोम बंद रहेगा. ध्यान से सुनो, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बीच में उठ के बोलेगा एक्स नहीं, मुझे ये एक्स क्रोमोसोम बंद नहीं करना है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम बंद करके देखते क्या होता है. ऐसा नहीं होगा. एक बार एक एक्स क्रोमोसोम बंद हो गया तो बंद हो गया, डन, ठीक है. दैट्स व्हाई एक्स क्रोमोसोम में भी कुछ फिनोटाइप्स रहते हैं जो आपको 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 पता चलता है. जैसे एक्स क्रोमोसोम में हो सकते कुछ जीन्स है जो आपको फादर से मिले, ठीक है. तो फादर का एक्स क्रोमोसोम बंद हो सकता है या मदर का एक्स क्रोमोसोम बंद हो सकता है, ठीक है. सुन रहे, है ना? तो एक देखो, फीमेल में एक एक्स कहाँ से आता है, एक एक्स मदर से आता है, एक एक्स फादर से आता है, राइट, है ना? तो फादर का एक्स क्रोमोसोम बंद हो सकता है या मदर का एक्स क्रोमोसोम बंद हो सकता है. तो अगर मदर का एक्स क्रोमोसोम बंद हो गया तो आपको जो फीचर्स मिलेंगे या फिनोटाइप फीचर्स मिलेंगे वो फादर से मिलेंगे एक्स क्रोमोसोम के लिए, ठीक है. एक्स क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या बोलते हैं, फादर इज, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, जैसे ए पर्सन ए है, तो उसके फादर इज कलर ब्लाइंड, ठीक है. कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स क्रोमोजोम फीचर, ठीक है, एक्स क्रोमोजोम में रहता है कलर ब्लाइंडनेस. तो जो फीमेल है ऑब्वियसली शी विल नॉट बी कलर ब्लाइंड, बट शी विल बी कैरियर, ठीक है, कैरियर कैरियर शी विल बी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ओके. सो हो सकता है कि एक एक्स क्रोमोसोम मेल का बंद हो जाए, ठीक है, या फीमेल का बंद हो जाए. अब फीमेल का बंद हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिखेगा, बट शी विल बी कैरियर. जैसे अगर दो एक्स क्रोमोसोम है, उसमें दोनों में कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, देन फीमेल कैन बी कलर ब्लाइंड, ठीक है, ओके. बट फीचर्स आपको कौन से एक्स क्रोमोसोम के मिल सकते हैं? ज्यादातर क्या होता है कि जो दोनों क्रोमोसोम में जो से ज्यादा डिफेक्टिव जीन्स रहेंगे जिससे क्रोमोसोम में, उसको बंद कर दिया जाता है, साइलेंस ऑफ कर दिया, ठीक है. देर इज वेरी बहुत सारे इंटरप्लेज होते हैं, मतलब बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, जिससे के वजह से क्रोमोसोम साइलेंस ऑफ हो सकता है. इन डेप्थ अभी तक नहीं, पूरा का पूरा नहीं समझा, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया एपिजेनेटिक्स इज अ वेरी वेरी न्यू फील्ड, ठीक है, इसलिए आप लोग इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ एक एक्स को बंद कर दिया जाता है, मतलब उसको हेटरोक्रोमैटिक बना दिया जाता है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा जो एक्स क्रोमोजोम है इट इज यूक्रोमैटिक इन नेचर, मतलब इट इज हाईली एक्टिव, ठीक है.
अगर एक एक्स क्रोमोसोम एक सेल के एक सेल में बंद हो गया तो उसके लाइफ टाइम में वो सेल में वो एक्टिव नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन जब प्रोजेनी जनरेट होंगे वो मतलब डॉटर सेल्स जनरेट होंगे जब वो डिवाइड होगा तो हो सकता है कि आपको वो एक्स क्रोमोसोम वापस एक्टिव हो जाए एंड दूसरे एक्स क्रोमोसोम को बंद कर दे, साइलेंस ऑफ कर दे। तो आप बोलोगे कैसे समझेगा सर, इसका एक एग्जांपल देख लेते ना, मस्त है। ठीक है, सो आइडेंटिकल डीएनए ला 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 ओके चलो, इट इज इनहेरिटेड बाय डिसेंडेंट सेल्स। ठीक है, ओके तो चलो एक डिसेंडेंट सेल्स देख लेते हैं। इधर देखो, अच्छा जब मैं बोल रहा हूँ जब डिवाइड होगा मतलब एज एन प्रीकर्सर लेवल पे डिवाइड होगा, मतलब जब सेल्स दे आर इन मतलब जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट लाइक क्या बोलते हैं आपका, ऐसा नहीं है एडल्ट लाइफ में नहीं, जब जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है डोजेज कंपनसेशन का इज माउस एंड माउस का कलर कोड, माउस माउस का कलर कोड, इसका ऊपर से जाने वाला से दिखे। ओके, कलर कोड कैसे डिसाइड करते हैं, अभी हम लोग प्रीकर्सर सेल्स की बात कर रहे हैं। तो देखो इधर जो पिंक कलर है दिख रहा है सबको, दिख रहा है? यस नो बता दो, यस ओके। तो हाँ, तो इधर क्या है, अभी हम लोग देख रहे हैं ये दोनों भी, फॉर एग्जाम्पल प्रीकर्सर सेल में दोनों भी एक्टिव है। ठीक है, ओके ये सेल डिवाइड हुआ एंड इट इज एंड जब सेल डेवलप हो रहा है मतलब ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बेबी, जब वो इन्फेंट में है इन वूम है वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो केस में क्या हो रहा है, तो जो प्रीकर्सर सेल है उसमें दोनों भी जीन्स एक्टिव है, ये भी एक्स क्रोमोजोम है, ये भी एक्स क्रोमोजोम है एंड एक एक्स क्रोमोजोम वाइल्ड टाइप कोट कलर है, ये वाला वाइल्ड टाइप है। ठीक है, ये जो और ये जो रेड कलर है इसे म्यूटेंट कोट, ठीक है ठीक है, म्यूटेंट कोट ध्यान से सुनो, एक वाइल्ड टाइप है तो उसको मैं म्यूटेंट को एम डाल देता हूँ। ठीक है, ये ओके। अभी इधर सेल के पास चॉइस है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम बंद करें और कौन सा नहीं बंद करें, तो जो बंद हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल ये वाइल्ड टाइप बंद हो गया, ठीक है इधर वाइल्ड टाइप बंद हो गया और इधर एक्स एम इज वर्किंग मतलब म्यूटेंट कोट स्ट्रेट इन इट्स वर्किंग, इधर वाइल्ड टाइप चालू है तो इधर का इसका रोल क्या रहेगा कि ये जो वाइल्ड टाइप जो है एक्स क्रोमोसोम या वाइल्ड टाइप जीन है जो एक्स क्रोमोसोम में, इट ये नॉर्मल आपका कोट बनाएगा, इधर देख लो चूहे का देख लो अच्छे से देख लो। ठीक है, और जो म्यूटेंट है वो ऐसा कलर कोड बनाएगा। ठीक है, एंड ये डेवलपमेंट फेज में, ऐसा नहीं है कि एडल्ट लाइफ में आके कोड कलर डिसाइड हो रहा है, नो इट इज डिसाइडेड एट जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है मतलब जब वो चूजर टाइप में, ठीक है ऐसा ठीक है, तभी कलर कोड डिसाइड हो रहा है। ठीक है, एट द डेवलपमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी इज इन वूम, ठीक है तो ऑब्वियसली एंड माउस का जो ये जेस्टेशन पीरियड रहता है, सो व्हाट डू यू मीन बाय जेस्टेशन पीरियड, यस एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय जेस्टेशन पीरियड, यस अर्पणा ऋतिका ऋतुजा अस्मिता, व्हेन फेटल इज डेवलप्ड इन होम इन यस जब तक बेसिकली प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड तो जैसे ह्यूमंस में बोलते हैं ना 9 मंथ्स है, वैसे माउस में 21 डेज होता है। ठीक है, तो 21 डेज में भी इनिशियल डेज में वन से लेके आप ले लो कि 10th या 15th डे में कोट कलर डिसाइड हो ही जाता है। ठीक है, नॉट आफ्टर दैट इज बॉर्न, नहीं उसके बाद पहले ही डिसाइड हो जाता है।
तो जब सेल्ड ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा तभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स लिंक्ड वेरिएगेशन हो गया, समझा। जैसे हम लोग ने फ्लावर में देखा था, फ्लावर में क्या था, जैसे ये फ्लावर है और इधर आपका कलर अलग है, ओके, मैं एक लाइन बना रहा हूँ और इधर कलर अलग है, तो ये क्या हो गया, वेरिएगेशन हो गया। हम लोगों ने देखा था ना न्यूक्लिएशन एंड प्रोपोगेशन, वैसे ही इसमें भी वेरिएगेटेड वैरायटी दिख रहा है आपको, दिख रहा है। जैसे आप कैट्स में कैट का कोट देखते हो, कैट का कोट नहीं, कैट का स्किन देखते हो, तो उसमें भी आपको पैचेस दिखाई देते हैं, हॉर्सेस देख लो, ठीक है। तो करीबन करीबन सेम थिंग है, ठीक है। तो इधर जो एक्स क्रोमोसोम है वो म्यूटेंट है, और इधर जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। इधर एक्स क्रोमोसोम म्यूटेंट है, ठीक है, इधर जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, समझा। सर, यस यस बोलो। यू सेड दैट एक जीन हेटरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, दूसरा यूक्रोमेटिन में. सो इज इट पॉसिबल कि वो हेटरोक्रोमेटिन वाले जो है उसमें से कुछ अलील्स एक्टिव रहेंगे? एक ही जीन एक्टिव रहेगा, और वो मैं बताऊंगा बाद में कौन सा जीन एक्टिव रहता है, कौन सा? कौन सा रहता है वो, जो जीन को बंद कर, पूरा का पूरा क्रोमोसोम बंद करने के लिए एक ही जीन एक्टिव रहता है, वो पूरा, वो जीन के वजह से पूरा का पूरा हेटरोक्रोमेटिन मेंटेन्ड रहता है, वही जीन एक्टिव रहता है, बाकी सारे जीन्स बंद होते हैं, समझा। वही जीन की वजह से पूरा का पूरा हेटरोक्रोमेटिक स्टेट मेंटेन रहता है, इनिशिएट नहीं बोल रहा, मेंटेन रहता है। हम लोगों ने देखा था ना, इनिशिएट करने के लिए कोई और जीन्स रहते हैं, राइट, एंड मेंटेन करने के लिए और कोई और जीन्स रहते हैं, तो वो जो जीन है वो मेंटेनेंस जीन और वही रहता है, ठीक है, वही एक्टिव रहता है अच्छा, पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम। रेस्ट ऑफ द जो एक्स क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स है वो सब इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। यस सर, यस समझा, इतना समझा, यस नो बता दो, ओके, यस सर, यस यस। सर, यस सर, यस सर. ओके, तो ये हाइपोथेसिस किसने कभी रखा गया था 1961 में, और देखा, बोला गया था कि एक ही एक्स क्रोमोसोम इज इनफ फॉर डिसाइडिंग फीमेल, ठीक है, ओके। और कैसे रिसर्चर्स ने कैसे पता लगा, अगर फीमेल हेट्रोजाइगस है तो एक्स कलर, जैसे कोट कोट कलर है इधर, ठीक है, उससे, और कोट कलर में म्यूटेशन है तो वेरिएगेटेड फीनोटाइप्स आपको मिल जाते हैं, ओके, वेरिएगेटेड फीनोटाइप्स, ओके। तो इसमें दिखाया है एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड रैंडम इन ईच सेल, और ठीक है, तो वाइल्ड टाइप जीन इनएक्टिवेट हो जाता है और प्रोजेनी एक्सप्रेस ओनली द म्यूटेंट। अभी एक बार डिसाइड हो गया ना, इधर इधर डिसाइड हो गया एट डेवलपमेंट स्टेज की इधर म्यूटेंट स्ट्रेन रहेगा, बेबी बॉर्न हुआ उसके बाद जो जितनी भी इसकी जितना ये सेल्स के, अगर जैसे एक्सएम है, ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंड मतलब एज इन 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 वूम, ठीक है, जब ये बॉर्न होगा, ओके, पोस्ट नेटली, जिसके इसके डिसेंडेंट सेल सारे के सारे म्यूटेंट रहेंगे, ठीक है। जो मैंने पहले जो बताया था, इट वाज ओनली ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, अभी ये पोस्ट नेटल बोल रहा हूँ मैं, ये पोस्ट नेटल की बात चल रही है, था इसके जितने भी डिसेंडेंट्स रहेंगे वो सब के सब जो प्रोजेनाइटर सेल्स से है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। यस समझा, ऊपर से गया, बता दो, ठीक है। तो आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट इज कंप्लीट, लाइक बेबी इज बॉर्न, ठीक है, इन्फेंट इज बॉर्न, तो जितने भी, जैसे ये अगर वाइल्ड टाइप रहता तो वाइल्ड टाइप इसके प्रोजेनी सेल्स भी वाइल्ड टाइप रहते, ठीक है, इसके वजह से कोट का कलर फैल जाता। तो इनिशियली अगर मैं बोलूँ कि इधर एक म्यूटेंट सेल है, इधर म्यूटेंट सेल है, इधर म्यूटेंट सेल है और इधर म्यूटेंट सेल, ठीक है, अगर एक भी रहेंगे तो जब वो उसके डिसेंडेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, राइट, है ना, ग्रो करेगा ना पूरा मैच्योर बनने के लिए, जैसे इधर है, तो इधर जो जितने भी सेल्स है और इधर इधर फैल जाएगा, जैसे इधर हो गया, ठीक है, ओके, इधर अगर इधर पैचेस आया तो इधर भी आ जाएगा, फिर इधर ये हेड में पैचेस आएगा, ठीक है, समझा ये, ठीक है। यस सर, तो उसके जो प्रोजेनी सेल्स होंगे,
आफ्टर डेवलपमेंट स्टेज के बारे में बात करूँ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट या बिफोर डेवलप, बिफोर मतलब एज इन प्री नेटली, तो उधर कल जब कोट कलर डिसाइड हो रहा है तो उसमें फिर जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन प्री नेटल स्टेट, ठीक है, तो अगर इधर एक्स म्यूटेंट है तो हो सकता है ये एक्स नॉर्मल भी होंगे, ठीक है, या म्यूटेंट ही रहे, वो डिपेंड करता है, ओके। ओके चलो ठीक है, तो जो प्रीकर्सर है एक बार म्यूटेंट बन गया तो वो सारे के सारे प्रीकर्सर वो एक साथ इट विल स्टे टुगेदर एंड फॉर्म अ पैच ऑफ सेम कलर, पैच बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है पैटर्न वेरिएगेटेड क्रिएट होता है, ओके नेक्स्ट है। ओके तो आगे चलते हैं, एक्सप्रेस इंडिविजुअल सेल्स इन पॉपुलेशन एक्सप्रेस वन और अदर अदर ऑफ एक्स लिंक्ड एलील्स, सो इंडिविजुअल सेल्स रहते हैं अगर तो एक एक्स को ही एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे एक्स को बंद करके, ठीक है। अच्छा इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, इन हेटरोजाइगोट्स एक्स लिंक्ड लोकस सिक्स जी सिक्स पी डी, क्या होता है ये जी सिक्स पी डी, लोकस है जीन है कोई, ठीक है चलो आगे जाते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स विल एक्सप्रेस ओनली वन ऑफ द टू एलीलिक फॉर्म, तो इधर आरबीसी के बताया कि टू एलीलिक फॉर्म रहते, ठीक है, तो उसमें से एक ही एलीलिक फॉर्म को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ठीक है, तो दूसरा फॉर्म क्या रहेगा, जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक ही एक्टिव रहेगा दूसरे को बंद कर देगा, तो ये किधर देखा गया, यूथेरियन मैमल्स, अच्छा व्हाट इज यूथेरियन मैमल्स एंड दूसरा है मार्सुपियल्स, यूथेरियन मैमल्स आर दोज मैमल्स विच आर, उनमें क्या रहता है कि जो जब डेवलपमेंट स्टेज रहता है तो दे आर फेड थ्रू पर्टिकुलर पाइप, पाइप बोलूँगा अ पर्टिकुलर मैं नाम भूल गया था, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है और वोम में क्या होता है इसको क्या बोलते हैं नाम भूल गया मैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यस करेक्ट, सो बेसिकली इट इज फेड बाय दिस थिंग, ठीक है, तो इसको जितने भी मैमल्स है जो कि आपका ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऐसे जो इन्फेंट को फीड करते हैं उनको यूथेरियन मैमल्स बोला जाता है, फिर दूसरा होता है मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स आर नथिंग बट कि ऐसे एनिमल्स जो इवन आफ्टर बेबी इज बॉर्न उनको पाउच में रखते हैं, पाउच में रखते कंगारूस, ठीक है, कंगारूस हो गए और भी रहते हैं और भी एनिमल्स हैं नॉट लिमिटेड टू कंगारूस, ठीक है, ओके, तो मार्सुपियल्स उनको बोला जाता है, ठीक है, तो यूथेरियन मैमल्स जैसे हम लोग भी यूथेरियन मैमल्स हो गए, रैंडमली इनएक्टिवेशन होता है एक एक्स क्रोमोसोम की, मतलब फादर से होगा या मदर से होगा, बट अगर मार्सुपियल्स को देखोगे चॉइस इज डायरेक्टेड, मतलब हमेशा हमेशा एक्स क्रोमोसोम जो कि फादर से इनहेरिट होगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब फादर का कोई इधर मेजर रोल नहीं है, मदर ही डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है समझा, मदर इज डिसाइडिंग फैक्टर, तो एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर इज ऑलवेज ऑलवेज इनएक्टिवेटेड, ओके, नाउ देयर इज एन माइनस वन रूल, एन माइनस वन रूल क्या बोल रहा है, कितने भी एक्स क्रोमोसोम हो एक को छोड़ के बाकी सारे एक्स क्रोमोसोम बंद हो जाएंगे, समझा, यस नो, एन माइनस वन फॉर्मूला है, ठीक है, और ये होता है अगर जैसे फॉर एग्जांपल टू क्रोमोसोम्स है, राइट, है ना, टू है, टू एक्स है, तो टू माइनस वन एक एक्स क्रोमोसोम को बंद कर दिया जाएगा और एक एक्स क्रोमोसोम जो इधर है वो चालू रहेगा,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने चार देखे थे, चार के भी एग्जांपल देखे, राइट, इधर 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 चार के भी एग्जांपल देखे, तो इधर क्या होगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो मतलब 3 X क्रोमोसोम को बाहर बॉडीज या बंद कर दिया जाएगा, और ये जो एक्स क्रोमोसोम इधर है उसको एक्टिव रखा जाएगा, समझा। अगर 3 X क्रोमोसोम है तो उसको कितना बंद, कितना बंद किया गया, 3 माइनस 1 2, ठीक है, 2 को इनएक्टिव कर दिया जाएगा और ये चीज़ है वो एक्टिव रहेगी। यस, समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है, जल्दी बता दो। यस सर, समझा यस सर। यस सर। ठीक है, तो इधर जो नॉन डिसजंक्शन होता है, नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या, इधर जब मैं बोल रहा हूँ ना ये वाला, ये 4 X क्रोमोसोम कैसे आ गए, क्योंकि जब सेल ये होता है तो गमीट फॉर्मेशन के टाइम में 1 X क्रोमोसोम आता है, 1 X क्रोमोसोम फादर, 1 X क्रोमोसोम मदर से। बट अगर नॉन डिसजंक्शन दिखता है मतलब सेपरेशन नहीं होता, तो इधर भी एक्स हो जाता है, इधर भी, जैसे भी ये वाई हो गया, ठीक है, तो जब ये मिल जाएंगे तो ठीक है, ओके। चलो ओके, आई विल टेक 2 मिनट्स वाटर ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, पानी पी के आता हूँ। यस, सो ठीक है, 16 स्टूडेंट्स आ गए, ओके। नाउ थोड़ा सा अब इन डेप्थ जाएंगे वर्किंग मैकेनिज्म में, एंड इट इज़ लाइक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्लाइड्स है, ठीक है, ओके। सो तो अभी अगर इधर देखोगे जनरल मैकेनिज्म में कैसे इनएक्टिवेट होता है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि क्यों होता है, राइट, अभी कैसे होता है वो भी देखना है। तो एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस, नो, यस सर, ओके यस सर। ओके। सो ओके,
इसमें क्या हो रहा है आपका, वन एक्स क्रोमोसोम प्रोटेक्ट करता है अपने आप को फ्रॉम इनएक्टिवेशन। देखो इनएक्टिवेशन दोनों के लिए होता है, दोनों में से एक एक चूज होता है, ठीक है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों भी इनएक्टिवेट होने के लिए दोनों को इनएक्टिवेट किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है, जो इनएक्टिवेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले वो एक्स क्रोमोसोम बच जाता। समझ रहे, ऊपर से जा रहा। कैसे देखो प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग, हाँ कैसे हाँ प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग नहीं, मतलब मॉलिक्यूल्स का। एक्स हाँ तो वो हम लोग देखेंगे ना, देखेंगे क्या क्या है। तो ईच एंड एवरी जो जितना हम लोग ने अभी तक समझा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इधर पहले हम लोग आ जाते हैं एक मॉलिक्यूल पे, विच इज नोन एज एक्स आई सी, और एक्स आई सी का फुल फॉर्म क्या, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर। मतलब इधर से ये एक टाइप का समझ लो न्यूक्लिएशन है, ठीक है, न्यूक्लिएशन है। कैसे, इधर देखते हैं एक्स आई सी किधर है भाई। देखो ये देखो, इधर से इनिशिएट होता है, इधर से हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन इनिशिएट होता है, ठीक है, और फिर वो दूसरे आजू बाजू में फैल जाता है, ठीक है। एंड देन फिर वो इधर क्या दिखा रहा है, साइलेंसिंग होती है, मिथाइलेशन और रन, राइट। फिर कुछ ये और ये एक्स आई बन जाता है, शी एक्स आई। तो ये शी जिंपिंग वाला शी नहीं है, बेसिकली एक्स इनएक्टिवेटेड, एक्स आई बोला है तो इनएक्टिवेटेड एक्स बोल सकते हैं इसको, इनएक्टिवेटेड एक्स बोल सकते हैं, ठीक है, इनएक्टिवेटेड। और ये एक्टिव एक्स है, अभी के लिए एक्टिव एक्स, ठीक है। ओके सो ये इसके स्टेजेस है, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेज हम लोग देखने वाले हैं, बट ये वाला आई थिंक देखते हैं। ओके सो एक्स आई सी से इनिशिएट होता है और पूरा का पूरा क्रोमोसोम बंद हो जाता है, समझ रहे। एक्स आई सी से एक्टिवेशन हो रहा है, मतलब वो क्या है, एक टाइप का न्यूक्लिएशन इवेंट है। ओके ओके अच्छा, इसमें काउंटिंग भी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग आगे देखेंगे कितने एक्स क्रोमोसोम है उसे काउंट होता है एट मोलिकुलर लेवल। सोचो एट मोलिकुलर लेवल काउंटिंग हो रहा है कितने एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। चलो तो ये है एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर एक्स आई सी, और ये कितना बेस पेयर लॉन्ग है, 450 किलो बेस पेयर लॉन्ग है, मतलब 4,50,000, ठीक है। ओके नाउ लोकस ऑन एक्स कॉसेस इट्स इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो एक्स आई सी दोनों में भी रहता है, बट कौन सा एक्टिव रहेगा, जो भी एक्स क्रोमोसोम में वो एक्टिव रहेगा वो बनता रहेगा, ठीक है, वो एक्स क्रोमोसोम को बनता रहेगा। अच्छा अगर सेम, तो रिसर्चर्स ने क्या किया, ये एक्स आई सी निकाल के ऑटोसोम में डाल दिया, एक्स क्रोमोसोम में रहता है नॉर्मली, ऑटोसोम में डाल दिया, ठीक है। ऑटोसोम क्या हो गया, यस यस, कोई बता सकता है व्हाट इज ऑटोसोम। एक्स एंड वाई को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम है उसको ऑटोसोम्स बोला गया, ठीक है, समझाइए। यस 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 सर, ओके दो सेकंड, यस सर, दिखाई दे रहा, यस सर, ओके ना, वही मैं बोला, एक्स एंड वाई को जो छोड़ के जो भी क्रोमोसोम्स है उनको ऑटोसोम्स बोला गया, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 2 लेके 22 तक, ठीक है। अभी क्या किया रिसर्चर्स ने, एक्स आई सी निकाल दिया एंड उसको ट्रांसलोकेट कर दिया, ठीक है, ऑटोसोम में डाल दिया। ओके अब देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो ऑटोसोम ही बंद हो गया, ठीक है, वो ऑटोसोम ही बंद हो गया, ठीक है, ठीक है, वो ऑटोसोम बंद हो गया। सोचो कितना पावरफुल है एक्स आई सी, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट ऑफ जीन या दो जीन या मल्टीपल क्लस्टर ऑफ जीन बंद हो रहा है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम बंद हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी सेल कल्चर सिस्टम में देखो, इफ एक्स आई सी इज ट्रांसलोकेटेड टू ऑटोसोम इट्स गेट इनएक्टिवेटेड, पूरा का पूरा क्रोमोसोम बंद, ठीक है, मतलब डैट पार्ट।
अभी 21 जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ट्राइजोमी याद है ना आप लोगों को, ट्राइजोमी डिसीज के बारे में, विच इज नथिंग बट क्रोमोसोम 21 का कितने कॉपीज होंगे, क्रोमोसोम 21 के 3 कॉपीज है राइट। तो अगर मैं उसमें से XYZ निकाल के इसमें एक एक्स क्रोमोसोम में डाल देता हूँ एंड दैट टू एट डेवलपमेंट स्टेज, ऐसा नहीं है कि बेबी बॉर्न हो गया और उसके बाद डाल रहे, नहीं ओके एट डेवलपमेंट स्टेज में अगर मुझे पता चल जाए मैं उसमें से एक XYZ निकाल के इसमें डाल दूँ तो एक एक्स क्रोमोसोम सॉरी एक एक्स एक्स बोल रहा हूँ, एक जो है वन ठीक है रैंडमली डाल सकता हूँ या वो क्रोमोसोम बंद हो जाएगा, मतलब जो बेबी बॉर्न होगा वो नॉर्मल रहेगा विथ टू टू क्रोमोसोम ठीक है, टू ऑटोसोम्स बेसिकली इंस्टेड ऑफ थ्री। ये तीसरा है जो एक टाइप का बार टाइप बॉडी बन जाएगा ठीक है, एंड इट विल हैव नो रोल या उसमें जो जीन रहेगा इट विल हैव नो रोल ठीक है समझो। ये तो XYZ इतना पावरफुल है कि वो ऑटो एक हेट यू क्रोमैटिन को हेट्रोक्रोमैटिन में पूरा कन्वर्ट कर सकता है क्रोमोसोम ठीक है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ओके। एंड अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, XYZ दोनों भी एक्स क्रोमोसोम्स में, दोनों भी एक्स क्रोमोसोम मतलब क्या, दोनों के चांसेस है, दोनों क्रोमोसोम के इक्वल चांसेस है बंद होने, समझ रहे हैं? यस नो बता दो, यस समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है बता दो जल्दी जल्दी, बाउंसर गया, आर यू पीपल देयर, हेलो यस सर, ओके समझ रहे हैं नहीं समझ रहे बता दो, मयूरी यस सर, समझ समझ रहे हैं नहीं, रहे सर, पक्का पायल यस सर, ऋतिका यस सर, ओके सो आगे चलते हैं ठीक है ठीक है। सो बोथ एक्स क्रोमोसोम हैव इक्वल चांसेस टू गेट इनएक्टिवेटेड ठीक है, और इनएक्टिवेशन हमेशा रैंडम रहता है ओके, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो बट वो अभी तक इन डेप्थ रिसर्च नहीं हुआ ओके। तो अब ये बोल सकते हैं एक्स इनएक्टिवेट रैंडमली इनएक्टिवेट होता है, रैंडम चॉइस रहता है ठीक है। नाउ चलते आगे ठीक है, डिफरेंसेस इन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड क्या बोल रहे हैं, एक एक मदर से एक क्रोमोसोम मिला, एक फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला ठीक है ओके। तो सिस्टर क्रोमैटिड जो में जो डिफरेंसेस रहते हैं कोहेजन कोरिलेट्स विद आउटकम चॉइस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ऑब्वियसली अगर दोनों भी एक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिफरेंट तो उनके आउटकम भी डिफरेंट रहेंगे, ऐसे कोट कलर का हम लोग ने देखा ठीक है। अल्टरनेट स्टेट्स प्रेजेंट बिफोर द इनएक्टिवेशन प्रोसेस में डायरेक्ट द चॉइस ऑफ विच एक्स क्रोमोसोम टू बी इनएक्टिवेटेड, तो अभी अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट तो चॉइस रहेगा कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट किया जाए। तो जो XYZ है ये सिस एक्टिंग लोकस है ओके, और ये जो मॉलिक्यूल है ये काउंट करने में मदद करता है ठीक है, एट मॉलिक्यूलर लेवल काउंट करता है कितने एक्स क्रोमोसोम्स हैं ओके, और इनएक्टिवेट करता है सारे एक्स क्रोमोसोम्स को एक्सेप्ट वो फॉर वन ठीक है, चाहे 4 एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक को एक्टिव रख के बाकी 3 बंद कर देगा ठीक है ओके। ये होता है ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ काउंटिंग मैकेनिज्म, XYZ मॉलिकुलर काउंट करता है ठीक है, मॉलिकुलर लेवल पे काउंट करता है कितने एक्स क्रोमोसोम्स हैं ठीक है, और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, एक को छोड़ के बाकी सब इनएक्टिवेट हो जाते हैं ठीक तो कैसे पता चलता है कि हमें कौन से क्रोमोसोम को इनएक्टिव करना है और एक्टिव रखना है? है। वो देखेंगे इन डेप्थ, हम लोग इन डेप्थ पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा ये रखो क्या बोलते हैं हम लोग आगे कर देखने वाले सो
ऐसा नहीं है, 9 स्लाइड सर, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो जैसे मैंने इधर बताया था, जो एक्स इधर जैसे क्रोमोसोम है, इधर एक्स आई सी है, ठीक है, तो इट विल स्प्रेड फ्रॉम एक्स आई सी टू इनएक्टिवेशन, हाँ, एक्स आई सी से टू बाकी सब जगह फैल जाएगा, ठीक है, बाकी पूरे क्रोमोसोम में फैल जाएगा, ठीक है। इनएक्टिवेशन क्या बोला है, इनएक्टिवेशन स्प्रेड फ्रॉम एक्स आई सी अलॉन्ग द एंटायर एक्स क्रोमोसोम, एंटायर लेंथ ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और ये इसमें नॉन लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है, एक्स आई सी, तो इसमें से कोई आरएनए जो जनरेट नहीं होगा, बट क्या हो रहा है देखते हैं अभी। अभी एक दूसरा जीन है, ठीक है, एक दूसरा जीन है XIST, XIST, ठीक है, उसका फुल फॉर्म भी दे रखा है, एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट, एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट, मतलब ये क्या कर रहा है, ये बंद कर रहा है, ठीक है। और मैंने बताया था ना, एक एक्स क्रोमोजोम जो इनएक्टिव हो जाता है, उसमें से एक ही जीन एक्टिव रहता है, और वो क्या करता है, वो एक्स क्रोमोजोम को बंद करके ही रखता है, मतलब स्टेबली मेंटेन करके रखता है, इट शुड बी इन हेटरोक्रोमेटिक स्टेट, एक्स दैट एक्स क्रोमोजोम शुड बी इन इनएक्टिव स्टेट, तो ये स्टेबली उसको बंद करके रखता है, समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है, यस प्लीज रिपीट दिस yes. वन. बाउंसर गया, ठीक यस है, सर. फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो एक्साइज सिस्ट, एसिस्ट बोल सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन लाऊंगा, सीस्ट, सीस्ट, हाँ, ओके, XIST, ओके, XIST क्या रोल है, ये देखो इसका फुल फॉर्म देख लो, एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जो इनएक्टिव एक्स है उसमें से वो स्टेबली स्टेबली एक्सप्रेस होगा, स्टेबली एक्सप्रेस होगा थ्रू आउट इट्स रिप्रेशन, मतलब देखो इसमें हम लोग बात करेंगे, देखो ये जैसे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, राइट, ठीक है, ये दोनों भी इसमें से जो जो क्रोमोसोम, ध्यान से सुनो, जो क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम XIST जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो क्रोमोसोम कंटिन्यूसली XIST प्रोड्यूस कर रहा है स्टेबली, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम बंद हो जाता है, और दूसरा क्रोमोसोम अगर अपने आप को XIST से बंद कर दे, मतलब XIST कैसे किस तरह इनिबिट हो जाए, तो वो क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा, ठीक है, तो जो क्रोमोसोम अभी देखो हमारे फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, थीके? तो एक बंद हो जाता है, राइट, एक बंद हो गया, जैसे इधर मैं थोड़ा सा इसको रेड कलर में लिखा है, तो समझो ये बंद हो गया, ठीक है, तो इसमें से जो खाली जो एक ही जीन एक्टिव रहेगा वो है XIST, और XIST क्या करेगा, ये क्रोमोसोम को, ये जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन इसको बंद करके रखेगा, मतलब इट विल स्टेबली मेंटेन हेटरोक्रोमैटिक स्टेट, समझा ऊपर से, समझा, यस सर. यस सर. थैंक यू सर. यस XIST इज अ मेजर रोल टू मेंटेन हेटरोक्रोमैटिक स्टेट, समझा, ठीक यस है, तो जो एक्स क्रोमोसोम से XIST जनरेट हो रहा है, मतलब वो बंद होने के उसमें, ठीक है, बंद हो जाएगा, हाँ, बोलोगे कि दूसरा एक्स क्रोमोसोम से XIST बनता है, हाँ बनता है, बट उसके पास ऐसे मैकेनिज्म है कि वो XIST को बंद कर दे, XIST को ही बंद कर, सीधा कैसे बंद करता है वो देखते हैं हम लोग, इतना समझा, तो XIST इज यूटिलाइज फॉर मेंटेनिंग हेटरोक्रोमेटिक्स, मेंटेनिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, मेंटेनिंग बोल रहा हूँ, जो क्रोमोसोम से, जो एक्स क्रोमोसोम से XIST एक्सप्रेस हो रहा है, कंटिन्यूसली एक्सप्रेस हो रहा है उसमें, और उसको कोई इनिबिट भी नहीं कर रहा, तो वो क्रोमोसोम बंद हो जाए, ठीक है, ओके, तो XIST आपका डिफर करता है, एक्टिव क्रोमोसोम में अलग काम करता है और इनएक्टिव क्रोमोसोम में अलग काम करता है, ओके, तो रिसर्चर्स ने क्या किया, दिमाग लगाया, XIST को ही डिलीट कर दिया, ठीक है, और देखा कि क्या होता है, तो इधर देखा उन्होंने,
दोनों भी एक्स क्रोमोसोम चालू है, समझा क्या क्या हुआ? यस यस सर, समझा? एक्स आई एस टी को ही डिलीट कर दिया दोनों क्रोमोसोम से, दोनों एक्स क्रोमोसोम से, तो क्या होगा? दोनों भी एक्स क्रोम, यूक्रोमेटिन। यस, हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन ही नहीं होगा, यूक्रोमेटिन ही रहेगा, और दोनों के दोनों यूक्रोमेटिन रहेगा। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये, ठीक है? यस यस तो इधर आपको डोजेज कंपनसेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इधर मतलब 2x, 2x दैट अमाउंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इससे भी एक्स क्रोमोसोम के सारे जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, इससे भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, समझे? तो डोजेज कंपनसेशन नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है सिस्ट, ठीक है? XIC भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इनिशिएट करता है, राइट? और जिधर भी ऑटोजोम में भी डाला तो वो ऑटोजोम को भी बंद कर देगा, ठीक है? ओके, तो XI, तो सेकेंड मॉलिक्यूल है, हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल देख लिया, अभी ये दूसरा मॉलिक्यूल देखा, ठीक है? XIST, ओके, अच्छा, और तीस एक जो इम्पोर्टेंट इधर बताया गया, क्योंकि XIC इधर देखो, हम लोगों ने देखा ना XIC ये काउंट करता है, राइट? XIC काउंट करता है, बट अगर हम लोग देखें XIST, ये काउंटिंग मैकेनिज्म में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है? काउंटिंग मैकेनिज्म में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है? ओके, तो इसमें इंटरफेयरिंग मैकेनिज्म्स नहीं है, तो XIC के पास पूरा रोल है कि वो काउंट करे, और XIST क्या करेगा उस हिसाब से, फिर एक जितने भी क्रोमोसोम है एक को छोड़ के बाकी एक्स क्रोमोसोम को बंद कर दिया, ठीक है? ठीक है, समझाइए। ओके, तो अभी XIC हम लोग बोलते हैं कि काउंट करता है, बट कैसे काउंट करता है, एग्जैक्टली कैसे काउंट करता है, इसमें अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैं जो कि अभी भी पूरी तरीके से रिकग्नाइज नहीं किया गया। इफ यू वॉन्ट यू कैन गो इन टू दिस। ओके, तो ये अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट्स है, ठीक है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर काउंटिंग, ठीक है? ओके, मतलब ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट है तो, ठीक है, सो N-1 रूल फॉलो होता है, वन एक क्रोमोस एक एक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी एक्स क्रोमोसोम बंद हो जाएगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सिस्ट XIST RNA, तो जितने भी इनएक्टिव, ध्यान से सुनो, इनएक्टिव इनएक्टिव या हेटरोक्रोमेटिक एक्स क्रोमोसोम्स है, हेटरोक्रोमेटिक एक्स क्रोमोसोम है, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, उसमें से XIST स्टेबली एक्सप्रेस होता है। जैसे मैंने बताया एक ही जो जीन है वो एक्सप्रेस होता है, वो है XIST, ठीक है? ओके, बट अब देखते क्या हो, देर इज सम काइंड ऑफ ब्लॉकिंग मैकेनिज्म, ब्लॉकिंग मैकेनिज्म ये प्रिवेंट्स इट्स स्टेबलाइजेशन एट 1x क्रोमोसोम, क्योंकि मैंने जैसे बताया दोनों भी जो आपके क्रोमोसोम है या सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक एक्स है, ये एक एक्स है, तो इसमें दोनों में XIC है एंड दोनों में सिस्ट जनरेट होता है, ठीक है? XIST जनरेट होता है, इसको बंद किया जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम में इसको बंद कर दिया जाता है, इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है? तो इनएक्टिवेट, एक दूसरे एक्स क्रोमोसोम में उसको इनएक्टिवेट करने के कोई तरीका नहीं है, तो ये क्या करता है, इसको बंद कर देता है, ठीक है? आप बोलोगे नहीं समझ रहे, तो मैं डायग्राम के साथ समझा देता हूँ, इजी रहेगा। ओके, देखो स्टार्टिंग में देखो, ठीक है? होपफुली डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, यस? यस सर, ओके, तो अभी देखो ये दो क्रोमोसोम, दो एक्स है, ये वन है, ये समझ लो ये सेकेंड है, ठीक है? और दोनों भी XIST बना रहे, ये XIST, ठीक है? बट ये क्या है, जो RNA है इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज के बाद करो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये अनस्टेबल रहता है, तो इसके देखो टुकड़े हो गए, ठीक है? ओके, ये RNA इज अनस्टेबल, तो मतलब क्या हो रहा है,
अगर स्टेबल रहता है ये तो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम बंद हो जाते, ठीक है, स्टेबल रहता तो, बट इधर स्टेबल नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अभी एक्स आई एस टी को बंद करने के लिए एक एक्स क्रोमोसोम, ओनली वन, ओनली वन, इसका एंटी सेंस बनाता है, एक्स आई एस टी का एंटी सेंस बनाता है, मतलब क्या होता है, ये जीन को साइलेंस करने में मदद करता है। ओके, मुझे पता टाइम हो गया। ओके, तो ये जीन को साइलेंस करने में, मतलब इसके अगेंस्ट एक आरएनए जनरेट करेगा जो इसको स्टेबली बाइंड करेगा। ओके, इसका नाम है T6, T6, और ये क्या है, फ्यूचर एक्टिव एक्स से ही बनता है। फ्यूचर मतलब जो एक्टिव रहेगा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा उससे ही बनता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो पिंक कलर का है वो T6 है, और ये इसको बाइंड कर रहा है और इसको तोड़ दे रहा है, ठीक है, इसको तोड़ दे रहा है। एंटी सेंस मतलब क्या करता है, वो बाइंड करता है आरएनए, बाइंड्स टू आरएनए एंड इट्स इट इट स्टॉप्स इट्स ट्रांसलेशन, ठीक है, उसको तोड़ देता है। क्यों, कुछ जो मैकेनिज्म्स होते हैं, समझ रहे ये? नहीं समझ रहे तो बता दो जल्दी जल्दी, यस नो। पहला वाला स्टेज समझा, दोनों भी एक्स क्रोमोसोम एक्स आई एस टी बनाते हैं, बट आरएनए अनस्टेबल रहता है तो इसलिए एक्स क्रोमोसोम बंद नहीं होता। यस समझा इतना? यस नो? प्रतीक्षा, मयूरी, पायल, अस्मिता, यस सर यस, रितिका, समझाइए, रितिका सो भी लगता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है T6। ओके, T6 है, T6 ये एक दूसरा जीन है जो कि आरएनए बनाता है, और ये एंटी सेंस है। एंटी सेंस मतलब क्या, जैसे एक GATC है, ठीक है, ठीक, जैसे ये XAST है, ठीक है, और ये क्या बनना, एंटी सेंस आरएनए मतलब इसके अगेंस्ट। ओके, एक मिनट, सॉरी, मैं तो आरएनए बोल दे। ओके, ठीक है, एक मिनट, कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर यस, ओके, थैंक यू। तो इसमें अभी देखोगे तो ये एक्स आई एस टी है, T6 है, इसको बाइंड कर लेगा एंड देन ये पूरा इसको तोड़ देगा, अनस्टेबल ही रखेगा, ठीक है, अनस्टेबल रखेगा, क्या बोल रहा हूँ, अनस्टेबल रखेगा। तो मतलब आरएनए का, आरएनए इनएक्टिव, जो भी आरएनए रहेगा वो इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि ये टूट गया है, मतलब इसका कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। बट इन कंपैरिजन ये, मतलब ये एक्टिव एक्स है, ठीक है, एक्टिव एक्स है, मतलब यू क्रोमेटिक एक्स है। अब हेट्रोक्रोमेटिक में क्या हो जाता है, ये जो एक्स आई एस टी है इसको काउंटर करने के लिए कोई T6 नहीं है, T6 नहीं है। मैं T6 का बताऊंगा कि क्या क्या है। T6 एंटी सेंस है, और ये इसको काउंटर नहीं, इधर जनरेट नहीं कर रहा, तो इधर भी कोई जीन नहीं है काउंटर करने के लिए एक्स आई एस टी को। तो ये एक्स आई एस टी अभी स्टेबल हो गया, इधर देख रहे हैं, स्टेबल हो गया, इट इज़ नॉट ब्रेकिंग अप। अभी इसके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम बंद करने के काम आएंगे इधर, ठीक है। अब आपने T6 और एक्स आई एस टी का एक कुछ देखा, अगर आप देखोगे इसको इधर मिरर रखोगे तो ये क्या है, समझा, ये T है, ओके, ये S है, ये I है, और ये X है, समझा, ये सेंस है, सेंस स्ट्रैंड है, ये एंटी सेंस है, समझा, ऊपर से गया, यस सर यस। बाकी यस लोग, सर यस सर प्रतीक्षा, पायल, मयूरी, सर पक्का? सो ये सेंस है, और इसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए हम लोगों ने नाम दे दिया T6, जो कि बेसिकली इसका मिरर है, ठीक है, ये इसको बाइंड करेगा और इसको बंद कर देगा, मतलब इसको तोड़ देगा, ठीक है।
बेसिकली एक टाइप का आरएनए इंटरफेरेंस हो जाता है, आरएनए आई टेक्नोलॉजी अगर आपने सुना है, ठीक है। तो बेसिक तो ये हमारा ऑर्गेन हमारे सेल्स यूटिलाइज कर रहे हैं एंड इट इज वर्किंग एफिशिएंटली इन फीमेल्स, राइट। ओके तो ये इधर क्या हो गया जो आपके इधर जो आपके ये क्या हो गया, हेटरोक्रोमेटिक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और ये क्योंकि एक्टिव है तो ये एंटी सेंस जनरेट कर रहा है तो ये यूक्रोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक्टिव जो एक्टिव क्रोमोसोम है, क्योंकि एंटी सेंस इतना आ चुका है कि वो अभी उसने क्या किया, सिस्ट XIST बनाना ही छोड़ दिया, XIST बनाना छोड़ दिया, XIST बनाना छोड़ दिया, मतलब क्या हो गया, अभी ये क्या हो गया, इट विल रिमेन एक्टिव, ठीक है। बट इनएक्टिव क्रोमोसोम में, इनएक्टिव एक्स में या हेटरोक्रोमेटिक एक्स में खाली एक ही जीन बन रहा है, एक ही जीन एक्सप्रेस हो रहा है, वो क्या है, XIST। और ये इसका मेजर रोल क्या है, ये वही क्रोमोसोम को साइलेंस कर देगा, वही इस क्रोमोसोम को हेटरोक्रोमेटिक में कन्वर्ट कर देगा। यस गेटिंग इट, समझा ये डायग्राम, समझा, नो यस नो यस बता सर, दो, यस सर, यस सर, पक्का यस सर, अयल यस सर, अनुजा है क्या, अनुजा है क्या, अनुजा नहीं है, रुतुजा, यस नो, ममता, नारायण, साहिली, श्रुति मराठे, ठीक यस सर, है, यस सर, नारायण सो गए शायद, यस सर, ओके ठीक है। तो शुड आई स्टॉप और शुड आई कंटिन्यू, सर स्टॉप सर करते हैं, पढ़ना पेपर है, भी है। हाँ ओवरडोज हो जाएगा, रुको फिर, हाँ जस्ट